तहलका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मऊ की गोठा का एक गांव है जहां शाहपुर है, जहां शाहपुर के गांव प्रधान की मनमानी किस कदर से व्याप्त है आप देखकर दंग रह जाएंगे। कोटदारों पर दबाव डाल रहे हैं कि एक यूनिट छोड़ दो और वे यूनिट का छोड़ के पैसा या फिर राशन उन्हें दे दिया जाए। किस तरह से कोटदारों पर दबाव डालकर राशन की कटौती करवा रहे हैं, ये पूरा वाक्य सुने एक कोटदार की अपनी पीड़ा। उनकी पीड़ा है, इसका कोई सुनने वाला नहीं है, ना अधिकारी सुनने वाला है, ना जिला पूर्ति सुनने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। इसे चोर समल लोग समझ कर कार्डधारक इन पर आरोप भी लगा रहे हैं, मगर प्रधान जी किस तरह से इस पर दबाव डालकर इस कोटेदार पर किस तरह से राशन काटने की हिदायत दे रहे हैं और नहीं देने पर इन्हें धमकी भी दी जा रही है। बताया जाता है कि गांव मऊ के कोठा का एक गांव है जहां पर इस तरह के प्रधान जी कोटदार पे अपना दबाव डालना है। इनकी एक कोटदार की बात सुने और आप रह जाएंगे दंग। मेरा नाम सुभाष चौहान है, ग्राम शाहपुर पोस्ट गोठा। प्रधान जो है कि कहे हैं कि ऐसा है कि एक यूनिट सबको काटना है, तो हमने बोला कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी का एक यूनिट काटे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आएंगे तो कटवाएंगे। उन्होंने जो है कि हम मेरे गांव के जो सफाई कर्मी हैं उनको बैठा करके वो ही बोल रहे हैं कि हम प्रधान जी कहे हैं एक यूनिट दीजिए, तो हम जनता से पूछ रहे हैं भाई देना है तो यूनिट पूछिए। तो जो कह रहे हैं जितना चाहिए पूरा चाहिए तो पूरा लीजिए, हमसे मतलब नहीं है। तो कह रहे हैं कि एक यूनिट प्रधान कहे हैं तो लोग छोड़ रहे हैं। तो क्या प्रधान जी आपको फ़ोन किए थे? हाँ, फ़ोन किए थे। उनका सफाई कर्मी हमारे यहाँ बैठ करके जब बांट रहे तो बैठ रहा है, जब तक बांट रहे तब तक, और लोगों से कह रहा है कि एक यूनिट हमारा दीजिए, प्रधान जी कहे हैं, यही समस्या है। तो क्या यहाँ गांव वाले तो सब आपके ऊपर इंजाम लगा रहे हैं? नहीं नहीं, गांव हम तो गांव वाले सब सीधे बोल दें कि हमको नहीं चाहिए, एक ग्राम हमको नहीं चाहिए। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि किसी का हम एक यूनिट काटे, लेकिन प्रधान ने कहा है कि जिसके पास कार्ड नहीं है उनको हमको जो है कि अपने लगे से ले आकर हम बिटोर के लिए वहाँ दे दें। तो क्या करेंगे प्रधान जी, और क्या नहीं करेंगे वो तो वो जाने।